नासा के कुछ खतरनाक मिशन। दोस्तों, नासा ने अपने संसाधनों का उपयोग कर बहुत से मिशन लॉन्च किए हैं, जिनमें से कुछ मिशन बहुत खतरनाक थे। आज के इस वीडियो में हम आपको नासा के कुछ खतरनाक मिशन के बारे में बताने वाले हैं, जिसको जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें हमारे साथ। शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, लेकिन इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल द लॉजिकल लैंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अपोलो 1 एक अमेरिकी अंतरिक्ष मिशन था, जो 1969 ईस्वी में नासा द्वारा लॉन्च किया गया था। यह मिशन मानव इतिहास का पहला मिशन था जिसमें मानव अंतरिक्ष यात्रा की गई थी। इस मिशन के लिए नासा ने अपोलो अंतरिक्ष यान बनाया था, जो साक्षात्कारी जोड़ों नील आर्मस्ट्रांग, बज एलिन और माइकल कोलिंस के साथ संयुक्त रूप से उपयोग किया गया था। अपोलो 1 में मुख्यतः दो उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था कि मानव अंतरिक्ष यात्रा की जा सकती है या नहीं, जबकि दूसरा उद्देश्य था चंद्र ग्रह की तस्वीर लेना। इस मिशन में अंतरिक्ष यान को लोकप्रिय रूप से अग्नि के नाम से जाना जाता है। अपोलो 1 में मानव यात्रा के सफल होने के बाद अपोलो कार्यक्रम में अन्य मिशनों के लिए रास्ता खुल गया और आगे आने वाले वर्षों में अपोलो 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 जैसे महत्वपूर्ण मिशनों को लॉन्च किया गया था। मर्श मिशन। मर्श मिशन नासा द्वारा चलाई गई एक अंतरिक्ष मिशन थी, जो मंगल ग्रह की समीक्षा करने के लिए निर्धारित की गई थी। इस मिशन में दो स्पेसक्राफ्ट यानी मर्श ऑर्बिटर और मर्श रोवर भेजे गए थे। मिशन का उद्देश्य मंगल ग्रह की भौतिकी गुणवत्ता का अध्ययन करना था, समुद्री उपकरणों की खोज करना था और जीवन की उत्पत्ति के संभावनाओं का पता लगाना था। मिशन के दौरान मर्श ऑर्बिटर ने मंगल ग्रह पर अध्ययन करते हुए तस्वीरें और डेटा भेजा। साथ ही मर्श रोवर समुद्री उपकरणों की खोज करते हुए धरती की तुलना में मंगल ग्रह की धरती के साथ कैसे अलग है, इस पर भी अध्ययन किया। मर्श रोवर ने भी मंगल ग्रह की सतह का अध्ययन किया और डेटा भेजा, जो मंगल ग्रह पर पानी की उपस्थिति के संभावनाओं को जताता है। मर्श मिशन 2003 में शुरू हुई थी और उसके बाद से अब तक नासा ने इस मिशन के दौरान कुछ भी नहीं छोड़ा। इस मिशन में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिली। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नासा का एक महत्वपूर्ण मिशन है। यह नासा का अंतरिक्ष टेलीस्कोप होगा, जो बाइनरी स्टार सिस्टम, गैलेक्सियों, धूमकेतुओं और जीवन के लिए उपयोगी ग्रहों के लिए खोज करने में मदद करेगा। यह टेलीस्कोप दुनिया से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में स्थापित होगा। इसके पास एक विशाल आईना होगा, जो धूमकेतुओं से आने वाले प्रकाश को एकत्रित करेगा और उसे ध्यान से अध्ययन करने की अनुमति देगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप दुनिया से बहुत अधिक संचार करने में सक्षम होगा, जिससे इससे आया डेटा धरती पर लाया जा सकेगा। यह मिशन नासा के लिए एक बड़ी कड़ी है, क्योंकि इससे नासा एक नए अंतरिक्ष टेलीस्कोप के रूप में जानी जाने वाली तकनीक विकसित करने में सक्षम होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।